Revenue means the amount which is added to the capital as a result of business operation. Business operations means sale purchase. अब यहाँ के business operations क्या है, जो भी education से related admissions वगैरह. Revenue is earned by sale. अभी discuss किया है, revenue is earned by sale of goods. Correct, जो sale से मिलता है. Sale of goods or by providing a service. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बोल रहा है सेल ऑफ गुड्स. देखो अब यहाँ पर तो बेटा कोई गुड्स सेल नहीं होता, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोवाइडिंग सर्विस. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस. ध्यान दीजिए, मार्केट में जो सेल होता है वो होता है प्रोडक्ट, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट में सेल क्या होता है, प्रोडक्ट, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. वन इज द टेंजिबल एंड वन इज इंटेंजिबल. पढ़ाया है मैंने आज तक टेंजिबल और इंटेंजिबल? नहीं पढ़ाया, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है. बट ध्यान दीजिए, टेंजिबल वो होता है जो टचेबल होता है. जैसे कि आप मार्केट में चेयर खरीदने गए, टचेबल है यार, टेंजिबल है. लेकिन आप यहाँ पर एजुकेशन खरीद रहे हैं, अब बताइए ये क्या है, इंटेंजिबल है. तो समझ में आया? इट मीन्स बेटा जो सर्विसेज होती हैं, अब देखो आप पार्लर जाते हो, आप क्या लेते हो, सर्विस लेते हो ना. अब आपको लेकर थोड़ी ना आते हो साथ में, तो इट मीन्स आपने फिर से आपने परचेज किया, उसने सेल किया, बट आपने क्या परचेज करा, उसने क्या सेल करा, सर्विस. तो इट मीन्स बेटा जो सर्विसेज होती है ना वो इंटेंजिबल होती हैं. ठीक है, जनरली आप उसे यूज कर लेते हैं. चलिए देखिए आगे बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइन द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रिवेन्यू इज रियलाइज. बोल रहा है आज आपको समझाएगा कि जो रिवेन्यू है वो कैसे रियलाइज होता है. रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेज and we when he has legally become liable to pay the amount. क्या मतलब है इन तीन lines का, जो मैंने three lines अभी आपसे discuss की हैं, क्या मतलब है बताइए, पढ़िए ध्यान से. देखिए ध्यान दीजिए, revenue is deemed to be realized. बोल रहा है ध्यान देना accountants, sale में transaction तब करना when the title or the ownership. बोला आप कभी भी कोई सामान लेने जा रहे हैं ना, अगर मान लो वो गुड्स आप हो, आपका हो गया, मालिक कौन बन गए, आप बन गए. बोला बस सेल मान ली जाएगी. जैसे यार मान लो आपकी शॉप है गारमेंट्स की, मैं आती हूँ और वहाँ पे एक शर्ट खरीद लेती हूँ, पेमेंट भी कर देती हूँ, शर्ट भी ले लेती हूँ. अब बोल रहा जब अगर आपने किसी को ओनरशिप आपको दे दी, अब उस शर्ट का मालिक कौन है, मैं हूँ. तो बोल रहा अब वो क्या है, वो आपकी क्या मानी जाएगी, सेल्स मानी जाएगी. बोल रहा फर्स्ट पॉइंट समझ में आया. बोल रहा जब भी अगर आपकी शॉप में कोई आता है, आप उसे सेल कर देते हैं, और अब मालिक कौन बन गया, मालिक वो पर्सन बन गया, तो बोल रहा क्या माना जाएगा, ये सेल. अकाउंटेंट्स को समझ में आया कि अब कभी भी अगर आप सेल करेंगे, लेकिन अच्छा इसको ऐसे ध्यान में रखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वो ये कहता है नहीं नहीं मैं तो सिर्फ अभी देख ही रहा था, तो इट मीन्स अभी ओनर कौन है उस गुड्स का, आप हैं, शॉपकीपर हैं. तो इट मीन्स इस केस में क्या वो सेल्स है, चलो इसमें सेकंड केस बताती हूँ. फॉर एग्जांपल ध्यान देना, आप लोगों का बिजनेस है, मैं आपकी शॉप में आती हूँ, सामान उठाया वापस रख देती हूँ, आप क्या बोलोगे, मैम क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगी नहीं नहीं एक्चुअली मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया मम्मी, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं ले जाइए, अच्छा लगेगा तो रख लेना. इट मीन्स अब आप बताओ, मैं आपका सामान ले भी गई, मैंने कहा ठीक है मम्मी को दिखाऊंगी फिर बताऊंगी, मतलब मैंने भी आपको अप्रूवल नहीं दिया. अब आप ये बताओ क्या आपने मुझे उस गुड्स का मालिक बना दिया. अब दो दिन तीन दिन बाद मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ उस गुड्स का क्या हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं. अब मैं कहती हूँ नहीं नहीं वो तो ना मैंने 20 रुपीज में बेच दिया, आप बोलेंगे पहले ये बताओ मैंने तुम्हें कब बेचा था. इट मीन्स जब ओनरशिप, आप जब मुझे ओनरशिप देंगे ना बेटा, तो इट मीन्स बेटा ऐसी एंट्रीज की ना सेल में भी एंट्री मत करना. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दो. एक क्वेश्चन आएगा ऑन 28th March गुड सोल्ड, बेचा गया बट ऑन अप्रूवल बेसिस टू मिस्टर राम. राम को सामान दिया बट अप्रूवल पर है, अभी वो दिखाने के लिए गया हुआ है अपने घर पर. तो बेटा अकाउंटेंट्स ऐसी एंट्रीज को सेल्स में नहीं करते, बिकॉज अभी भी मालिक आप खुद हैं, राम अभी मालिक नहीं बना है. क्या पता, अच्छा एक बात हो, अगर तुम उसका बिल बना दो क्या पता बेटा वो मना कर दे, और आप भी बोलोगे मैम क्या पता वो हाँ कर दे. तो देयर आर टू पॉइंट्स. तो ICAI ने सीधा क्या बोला है कॉन्सेप्ट्स में, क्लियरली ये बोला है कि अप्रूवल बेसिस के सेल्स को सेल्स नहीं मानना. फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट भी आती है, क्या करते हैं अगर एडजस्टमेंट आती है तो.